दोस्तों 15 अगस्त के एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को हमारे जिम में एक दुर्घटना हुई जिसमें एक लड़की की उंगली जो है यहाँ पर वो डैमेज हो गई पूरी तरह से। सबसे पहले आप सीसीटीवी फुटेज देखिए जिम। यहाँ पर देखिए तीन गलतियां मुझे समझ में आ रही हैं। देखिए पहली गलती ये है कि जब भी आप जिम में एक्सरसाइज करते हैं चाहे डंबल से चाहे वॉट से, तो उसको जहां से आप उठाते हैं उसको वहीं उसी जगह रख देना चाहिए आपको। यहाँ वहाँ सामान पड़ा रहता है, यही गलती उस लड़के के साथ हुई। वो 25 किलो के डंबल से कर रहा था और नीचे ऑलरेडी एक डंबल रखा हुआ था, तो जब उसने डंबल रखा नीचे तो डंबल नीचे रखा हुआ था और हाथ में डंबल है, तो दोनों डंबल के बीच में उसकी उंगली आ गई, उसकी उंगली जो है डैमेज हो गई। आप फोटो देख रहे होंगे बगल में। दूसरी गलती, जो नए लड़के हैं जो अभी इंटर कॉलेज में हैं या डिग्री कॉलेज में हैं, उनको बहुत ज़्यादा जोश रहता है उनको अधिक से अधिक वेट उठाने का। अभी उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, 50 किलो का वेट है, लेकिन कोशिश करते हैं वो 100 kg उठाने का। डेड लिफ्ट करते हैं या किसी को देख के, जो लोग बहुत पुराने लोग हैं पहले से कर रहे हैं जिम, उन लोगों को देख के उनके अंदर भी जोश आता है कि हम भी इतना ज़्यादा वेट उठाएं। अभी उनकी बॉडी मैच्योर नहीं है, उनके मसल मैच्योर नहीं है, आपको खामखा इंजरी हो जाएगी। तो ये ऐसी गलती आप ना करें, धीरे धीरे बॉडी आपकी प्रोग्रेस करेगी, धीरे धीरे आपकी बॉडी बनेगी। आप सोचे कि एक दिन में हम बॉडी बना लें, मैं देखता हूँ कि मुश्किल से 10 दिन हुए जिम आए हुए नए लड़कों को और टी शर्ट उतार के फोटो लेते हैं, सेल्फी लेते हैं, रील बनाते हैं, हैवी वेट लिफ्ट करते हैं, इसलिए कि रील बनाने के लिए हम ज़्यादा वेट उठा पाते हैं। देखिए वेट एकदम से ना उठाएं आप, प्रॉपर आपको 15 मिनट पहले कार्डियो करिए, थोड़ी बहुत वार्म अप करिए। वार्म अप कोई नहीं करता, डायरेक्ट सीधे वेट उठाने लगते हैं, हैवी वेट उठाने लगते हैं दिखावे के चक्कर में। अगर आप हैवी वेट उठाना चाहते हैं, पहली चीज़ तो उठाएं ना आप। अगर आपका एक्सपीरियंस हो गया है, साल भर हो गया, साल भर से ऊपर आपको हो चुका है, तभी आप हैवी वेट लिफ्ट करें। और दूसरी चीज़, पीछे सपोर्ट के लिए किसी एक लड़के को जरूर खड़ा रखें। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं आप लोग, आप वेट लिफ्ट करते हैं और पीछे सपोर्ट के लिए कोई खड़ा नहीं होता, इस वजह से आप वेट आपके ऊपर गिर सकता है, आपको इंजरी हो सकती है। दूसरी चीज़, मसल आपकी मैच्योर है नहीं, इतनी अच्छी बॉडी आपकी जल्दी बनेगी नहीं, क्योंकि आप मैगी नहीं बना रहे हैं कि 2 मिनट बन के तैयार हो। तो सपोर्ट लेके करें जिम में, और जो नए लड़के हैं ज़्यादा जोश में ना आए, धीरे धीरे बॉडी बनेगी, टाइम लगता है बॉडी। 6 महीने अपनी सही फॉर्म में काम करें। मैं देखता हूँ गलत एक्सरसाइज करते हैं लोग, तो आपकी जिम में जो ट्रेनर है उससे पूछ के आप करें। अगर ट्रेनर नहीं है तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो चले हैं, मेरे ही बहुत सारे वीडियो चले हैं, सही फॉर्म में सही एक्सरसाइज आप लोग परफॉर्म करें। जो नए लड़के हैं इंटर कॉलेज में है या डिग्री कॉलेज में है या प्रिपरेशन कर रहे हैं SSC CGLI IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका मेन टारगेट जो होना चाहिए, उनका मेन गोल होना चाहिए, वो होना चाहिए उनके करियर का। पहले अपना जो फ्यूचर है वो सिक्योर करें। बॉडी बिल्डिंग आपको नहीं करनी, आप जिम आ रहे हैं इसलिए ताकि आपकी बॉडी फिट रहे, आप कपड़े पहने तो आप अच्छे लगे। आपको बॉडी बिल्डिंग तो करनी नहीं है, ना मुझे करनी बॉडी बिल्डिंग, ना आपको बॉडी बिल्डिंग करनी। हम लोग यहाँ फिट रहने के लिए आते हैं, तो उतना ही वेट उठाएं, उतनी ही एक्सरसाइज करें जितनी हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। बॉडी बिल्डिंग अगर आपको करना है, आप स्टेज पर उतरना है आपको, तो बात अलग है। आप वहाँ पर बहुत सारे सप्लीमेंट्स लगते हैं बॉडी के लिए, बहुत सारी डाइट लगती है, बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तब जाके आप बॉडी अच्छी बना पाते हैं। तो बड़े बड़े पोस्टर्स, आप जैसे आप पोस्टर देख रहे हैं बगल में, ये जो बॉडी देख रहे हैं आज नेचुरल बॉडी नहीं, स्टेरॉइड की बनाई गई बॉडी है। बहुत सारे सप्लीमेंट्स लिए जाते हैं, बहुत खर्च किया जाता है बॉडी के ऊपर, तब जाके इस तरह की बॉडी बनती है। नेचुरल बॉडी ये नहीं है, जितने भी लोग स्टेज पे आप देख रहे हैं ये नेचुरल बॉडी बिल्डिंग नहीं किए हुए हैं, सब लोग इंजेक्शन लिए हुए हैं, इस तरह से कुछ सप्लीमेंट्स लिए हैं, तब जाके इनकी बॉडी बनी है। तो आपका मेन टारगेट क्या होना चाहिए? आपका मेन टारगेट होना चाहिए अपना फ्यूचर, एक अच्छी जॉब आपके पास होनी चाहिए। तैयारी करें, अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करिए, फोकस करिए अपने करियर पे, अपने फ्यूचर पे, अपना फ्यूचर सिक्योर करिए। अच्छी जॉब पा लीजिए आप, या बिजनेस करना चाहते हैं एक कुछ भी जो आपका टारगेट है उसको अपना फिक्स कर दीजिए। आपका टारगेट जो अचीव हो जाएगा उसके बाद आप ये सब करते रहिए। वैसे भी जिम आने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, आप रनिंग कर सकते हैं घर पर, या डंबल खरीद सकते हैं अमेज़न से, डंबल कर सकते हैं, पुशअप्स कर सकते हैं, उठा बैठे कर सकते हैं, रस्सी कूद सकते हैं, ये नॉर्मल से एक्सरसाइज करके भी अपने आपको फिट रख सकते हैं आप। तो स्पेशली जो नए लड़के हैं जो मुझे देख रहे हैं, 18 से 25 उम्र के लड़के हैं, जो कैरियर पे फोकस करें अपना, पहले अपना कैरियर बनाएं। बॉडी बिल्डिंग तो होती रहेगी, एक बार आपकी अर्निंग स्टार्ट हो गई, कैरियर आपने बना लिया, तब आप बॉडी बिल्डिंग करें, तब आप खर्च करें अपनी बॉडी पे, सप्लीमेंट्स यूज करें, कुछ भी ये सब कर सकते हैं। उसके बाद आपका गोल अचीव हो ही गया है, अब फिर अच्छे से आप बॉडी बनाइए, तो दोनों चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी आपकी। क्योंकि आप अगर अभी तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप एक्सरसाइज पर आपका ध्यान जाएगा, आपको डाइट लेनी होगी हर 3-4 घंटे में, आपका एक गोल होगा कि मुझको वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, तो माइंड आपका उसमें लगा रहेगा,
कि मुझे वेट गेन करना है, मुझको डाइट लेनी है, मुझको डाइट में इतना प्रोटीन चाहिए, इतना कार्ब चाहिए, इतना ओमेगा 3 चाहिए, ये सब माइंड आपका डाइवर्ट होगा, जबकि आपका अभी मेन फोकस होना चाहिए आपके करियर पे, आपका भविष्य अपना सिक्योर करना है पहले, तब जाके बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग आइए जिम में, एक घंटा नॉर्मल एक्सरसाइज करिए ताकि बॉडी आपकी फिट रहे, माइंड एकदम एक्टिव रहे, बस उसके बाद आप ये सब कर सकते हैं। तो ये सब गलतियाँ ना करें, जहाँ से वेट उठाएं वहीं पर उसको वेट को वापस रखें, और हेल्प लें किसी की, जब भी कोई वेट उठाएं तो किसी की हेल्प लेकर ही वेट उठाएं, ऐसे वेट ना उठाएं किसी के दिखावे के चक्कर में, आप अधिक वेट ना उठाएं, क्योंकि अगर आपको इंजरी हो गई बॉडी में तो जिंदगी भर वेट उठाने के काबिल नहीं बचेंगे। तो आराम से धीरे धीरे वेट उठाएं अपना, धीरे धीरे बॉडी बनेगी, टाइम लगता है। आप सोचे एक दो महीने बॉडी बन जाए तो एक दो महीने में आपकी बॉडी में रिजल्ट नहीं दिखेगा, ठीक है। मेन फोकस आपका क्या है ना, भविष्य सिक्योर करें, ये बहुत जरूरी है। चलिए, थैंक यू।